वाहे गुरु प्रोग्राम गुरमत ज्ञान लाइव दे विच चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे समूह दर्शकों का मनदीप सिंह वालों स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले आप जी नूं गुरमत संबंधी अते गुरबाणी संबंधी सेध देणगे। ज्ञानी जी साढ़े नाल स्टूडियो विच मौजूद हन। ज्ञानी जी फतेह सांझी करके प्रोग्राम शुरू करते हाँ। वाहिगुरु का खालसा। पिछले हफ्ते तक ज्ञानी जी ने जपजी साहब की जो पौड़ी है अंत ना सिफती कह ना अंत ये जो अखरी अर्थ हैं व्याकरण की जो सेध है वह दी सी। इस हफ्ते इस प्रोग्राम का आगाज़ जो अगली पौड़ी है बहुता करम लिखिया ना जाए बड़ा दाता तिल ना तमाए इस तो किया जाता है। बहुता करम लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल न तमाए। साहिब गुरु नानक देव पातशाह जी ने सिर्फ परमेश्वर दियां गल्लां नहीं कीतियां बल्कि परमेश्वर नाल साडा डायरैक्ट संबंध जोड़िया। अज मैं देखता हाँ कि बहुत सारे लोग गुरबाणी विचों ही ज्ञान लैके अपनियां दुकानां खोली बैठे हैं, आप गुरु बने बैठे हैं और ऐसा सिद्ध करते हैं कि असी ही परमेश्वर दे एजेंट हाँ, जदों कि गुरु नानक पातशाह ने साडा डायरैक्ट परमेश्वर नाल मेल कराया। हाँ ये शर्त जरूर है कि जे असी बाणी नूं प्यार नाल भिज के पढ़ी समझ के पढ़ी। लो मैं इस पौड़ी का पाठ करदा हाँ, आप बड़े ध्यान नाल अपने गुटके उत्ते भी निगाह रखो तो सुनो भी कित्थे कित्थे विश्राम आउंदा है, कित्थे सानू रुकना चाहिए है, तो कित्थे सानू उचारण किवें करना चाहिए। बहुता करम लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगे जो दे अपार, कितिया गणत नहीं विचार, केते खप टुटे बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, होर आख न सके कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाने जेतिया मोह खाए, आपे जाने आपे दे, आखें से पे के ही के, जिसनो बख्शे सिफत साला, नानक पातशाही पातशाह। आप जी ने इस 25 नंबर पौड़ी का पाठ श्रवण किया। आओ हुण इसकी विचार करनी करिए, जिथे गुरदेव ने 24 नंबर पौड़ी विच सानू ये समझाया, असी इस गल ते अपना समा अजाई नहीं गवाउणा कि परमात्मा कितना वड्डा है, क्योंकि असी जान ही नहीं सकते। एक बूंद समुद्र का की अंत पा सकती है, असी बड़े तुच्छ हाँ, सानू इस पासे अपना समा नहीं गवाना चाहिए। पातशाह कहिंदे ने जेवड़ आप जाने आप जितना वड्डा वो है वो आप ही जानदा कितना वड्डा। हाँ ये बख्शिश मिल सकती है जे उहदी कृपा हो जाए, क्योंकि गुरबाणी बार बार कहती जिसनों तू जाना है सोई जन जाना है, हर गुण सद ही आख बखाने,
हे अकाल पुरख जी, जिन्हों उत्ते तुसी कृपा करते हो, जिन्हों ये सोझी बख्शते हो, वो जान जाते हैं। पर जेड़े जान जाते हैं वो कदे प्रगट नहीं करते। कबीर जी ने ठीक किया है, कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कब हो न डोले, जिन हर पायो तिन छपायो। जिस तरह असी दुनियादार लोग अपनी रकम, अपने पैसे, अपनी जायदाद किसी नूं दसना नहीं चाहते, अपने पैसों नूं अंदरली तो अंदरली जेब च लुको के रखते हैं। ईवन असी अपने परिवार के मैंबरां नूं भी नहीं दसना चाहते मेरे को किन्ने पैसे। क्यों? सिर्फ इस लई कि जे इन्हां नूं पता लग गया ये खो लैणगे, ये मंग लैणगे, मैनू देने पैणगे, लुको के रखते हैं। इस तरह परमात्मा का जिहड़ा ज्ञान है, जिन्हां उत्ते बख्शिश हुंदी उन्हां नूं हो जांदा है, पर वो कदे अपने आप नूं प्रगट नहीं करदा। जिहड़े प्रगट करदे ने, कबीर जी कहिंदे ने, उन्हां दे पल्ले कख नहीं जी, क्योंकि जिन हर पायो तिन छपायो, उन्हां ने तां लुकोया है। बल्कि सूफी फकीर तां कहिंदे ने, साई लोक ने उत्थे रहिंदे जिथे रहन अकल दे अन्ने, ना कोई उन्हां दी रमज पछाणे, ना कोई उन्हां नूं मन्ने। जिन्हां समयां विच असी पढ़दे सी विद्यालय विच, सानू मत्था टेकण दी मनाही सी महापुरशां वल्लों। जे कोई एक दूजे नूं टेकदा ते ओह की कहिंदे, भाई तूं लुटमार करदा। ये जिहड़े मत्थे टकाउणे ने, ये अपने आप नूं लुटाना है। मत्था टेकण वाला कोई ना कुछ मंगदा है। इस वास्ते ये गुरसिखां विच रवायत नहीं ठीक। पर अज ते मैं देखिया साधु संत ऐन डट के खड़े हो जांदे ने, टेकी जाओ मत्थे, टेकी जाओ मत्थे। असल विच उहनां दे पल्ले ही कख नहीं, ते लुटना की है किसी ने। ये सिखां विच रवायत नहीं हैगी। मत्थे टेकण ते टकाउण दी आदर करना होर चीज़ है, सत्कार करना होर चीज़ है। पर इस भावना नाल मत्थे टकाउणे के मैं बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हाँ, गुरदेव कहिंदे ने नहीं। जिन हर पायो तिन छपायो, साईं लोक ने उत्थे रहिंदे जिथे रहन अकल दे अन्ने, ना कोई उन्हां दी रमद पछाणे, ना कोई उन्हां नूं मन्ने। वह तो कहिंदे ने असीं ते दासां दे दास हाँ, साढ़े पल्ले ते कख नहीं हैगा। मैनू सेवा पंथी महात्मा का जीवन पढ़न का अवसर मिले, बड़ी सुंदर सिख्यादायक गल है, जे ध्यान नाल सुन लो। तो महाराजा रणजीत सिंह का समा सी, सेवा पंथी साधुओं विच एक बाबा बुद्धू साहिब जी होए ने। महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हां दी बड़ी शोभा सुनी, भी बड़े उच्च कोटी के महात्मा ने। महाराजा साहब उन्हां दे अस्थान ते दर्शन करन गए। जदों अस्थान ते दर्शन करन गए ते महाराजा रणजीत सिंह ने घोड़ा अपना बड़ी दूर छड़ दिता, पैदल हो गए। मन विच भावना सी भी किसे महात्मा दे दर्शन करन जा रहे हैं, घोड़े ते चढ़ के नहीं जाना। जदों असी कदे किसे नूं पहला ना देखिया होवे, भावें ओहो ही बंदा सानूं मिल जाए तो सानू पछाण नहीं हुंदी, क्योंकि वेख्या नहीं। कुदरती गुरद्वारा साहिब दे बाहर, टिकाणा साहिब दे बाहर भाई बुद्धू साहब खड़े सन। तो महाराजा रणजीत सिंह उन्हां नूं ही पुछदे ने, जी मैं भाई बुद्धू साहब दे दर्शन करने ने। तो भाई बुद्धू साहब ने की आख्या, बुद्धू तो हाजिर है, आओ तुहानूं साहिब दे दर्शन करा देवां। बुद्धू हाजिर है, भाव मैं खड़ा हाँ तुहाडे सामने बुद्धू, आओ तुहानूं साहिब दे दर्शन करा दें। लै के महाराजा साहब नूं भाई बुद्धू जी उस कमरे में लै गए जिथे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश सी। मत्था टेकिया, कहन लगे मेरे साहिब ने, तुसी भी इन्हां नूं मत्था टेको।
ये ने मेरे साहिब साध संगत असल गल तो यह सी पर अज साहिब नूं ते असी कोठड़ी च बंद कर दिता है। अज संत अपने वखरे कमरिया में बह के मत्थे टकाउंदे भेटा लेंदे पूजा कराउंदे ने। इस तरह की जिहड़ी प्रथा है गुरु मत अनुसार नहीं। गुरु घर दे सेवक ते हमेशा अपने आप नूं निम्रता विच रखदे। लोग भावें कुछ कहण ओह कहिंदे साडे पल्ले कुछ नहीं, असी तां सेवकां दे सेवक। पुछो गुरु रामदास जी नूं, चौं पीढ़ी आद जुगाद बखीली किने न पायो, हर सेवक भाए निस्तारा। जे किसे ने आख्या गुरु रामदास जी तुसी बड़े महान हो, तुसी बड़े गुणवान हो, आख्या नाना जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। एक गाथा बहुत लंबी है, जे मैं इसे नूं सुनाई जावां तां घंटियां बद्धी ये गल समझण समझाउण वाली। गल की जेड़ा ये प्रगट करता है कि मैं कुछ जानदा हाँ, गुरबाणी कहिंदी उह कुछ भी नहीं जानदा। सो अजान कहे मैं जाना, जानण हार ना छाना रहे। जिहड़ा जानदा है वह लुकदा नहीं, जिहदे पल्ले नाम रूपी रतन है वह लुकदा नहीं। रतन लुकाया लुकै नाहीं, जे को रखे लुकाई। पर वह हंकार नहीं करता, वह प्रगटावा नहीं करता। तो महाराज कहिंदे ने भाई असी जान भी लईए फिर भी असी यह नहीं कहना कि असी जान लिया। इसलिए यह है गुरु की मत साडे सारियां लई कि जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। नदरी ते करमी ये दोवें अखर नेड़े नेड़े लगते, जिन्हों बख्शिश वाली नज़र कहते हैं, जिन्हों उर्दू विच फारसी वाले नज़रे अनायत कहते हैं। जिन्हों उत्ते मेहर की नज़र हो जाती है उन्होंने सोझी तो आ जाती है, पर वो कदे ये प्रगट नहीं करते कि सानू सोझी आ गई। जिमें किसे फलदार दरखत की टहनी नू जितने फल लग जान वो होर निम्रता विच आउंदी। इस तरह जिन्हां नू परमेश्वर दे गुणा दा पता लग जांदा है वो होर निम्रता विच आउंदे हन ते कहिंदे हन तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दा सदा कुरबानी। समा वधेरे ना लग जाए, आओ अगली पौड़ी वाले जुड़िए। पातशाह कहिंदे ने बहुता करम लिखिया ना जाए। इत्थे करम दा मतलब है बख्शिश। उस वाहिगुरू अकाल पुरख की बख्शिश इन्नी ज़्यादा है कि लिखिया ना जाए। असी उस नूं लिख नहीं सकते, असी उहदी गिणती मिणती नहीं कर सकते। रोज़ तुसीं पढ़ दो सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण ना जाई तेरी तिल वढ़ियाई। बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। वो एडा वड्डा दाता है, सारे जीवां नूं दे रहा पर उन्हूं तिल जिन्ना तमा नहीं। मनुख अबले तां किसे नूं कुछ दे नहीं सकता, जे देवे तां इहनूं तमा है। की तमा है जिसनूं मैं दिता है, मेरे अगे गिड़गिड़ियां कढे, मिन्नतां करे, मेरे अगे झुके, मेरे हर हुक्म नूं मन्ने। ना मन्ने ते आंदा कल ना भी मेरे घर, मेरे दरवाजे ते ना भी मुड़के। पर वाहिगुरू ऐसा नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने फरमाया है, दीनन की प्रतपाल करे नित, संत वार गनी मन गारे, पछ पशु नग नाग नराधव, सर्व समय सबको प्रतपारे। पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं करम विचारे, दीन दयाल दयानिध, दोखण देखत है पर देत नहारे। उन्हूं साडियां कमियां दा भी पता है, साडे भी जो जो त्रुटियां हन सब जानदा है, पर फिर भी वह बख्शी जांदा है। किड्डा वड्डा दाता है।
और उसनू तिल जिन्ना तमा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं कि मैनू दे बदले विच कोई दे। पातशाह ने बाणी भी सानू समझाया, आख्या जे को एक करे चंगयाई, मन चित बहुत बफावे, एते गुण एतियां चंगियाईयां दे ना पछोतावे। बंदे विच कमी है, ए एक चंगयाई कर लवे, एक भलयाई कर लवे, जद ती करे दस भी पंजाब बंदिया नू दस ना लवे, इनू रोटी हजम नहीं हुंदी। ये चाहुंदा है कि मेरे नाम दा जकारा बुलाया जाए, मैनू सिरोपाओ दिता जाए, मैं आ कम कीता हैगा। इतना होछापन है, पर वाहिगुरु अकाल पुरख किड्डा वड्डा दाता है, जो इहदे बदले विच साडे तो कुछ मंगदा नहीं, उहनू तिल जिन्ना तमा नहीं। वड्डा दाता तिल ना तमाए। हुण पातशाह अगे वेरवे नाल दसदे ने, उस दाते दे दर ते कितने क लोग मंगते ने, केते मंगे जो दे अपार। ध्यान देना इसनू मंगे नहीं कहना, मंगे ये जरा हाए नू सियारी है, बहु वचन का सूचक है, क्योंकि केते आ गया ना, केते का मतलब कितने ही ओदे दर ते मंग रहे ने, जो दे सूरमे बली, पातशाह मैनू बल बख्शो, मैनू शक्ति बख्शो, अपार जेड़े गिने नहीं जा सकते, जिन्हां मंगतियां दी गिनती नहीं कीती जा सकती। केते मंगे जो दे अपार, केतियां गणत नहीं विचार। पातशाह कहिंदे ने इन्ने मंगते हैं कि जिन्हां दी गिनती नहीं कीती जा सकती, उन्हां दी गिनती दा कोई विचार हिसाब किताब नहीं लाया जा सकता, असीं सारे उहदे दर दे मंगते हैं। गुरबाणी ते सानू समझाउंदी है, दद्दा दाता एक है, सब को देवन हार, दें दे तोट न आवई अगणत परे भंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर्ख क्यों ताहे बिसारा। ओ मूर्ख मन, तू एहो जे दाते नू क्यों भुलाउंदा, जेड़ा इतनी उदारता नाल दे रहा है, और जिदे दरवाजे उत्ते कितने ही मंगते खड़े हन, जिन्हां मंगतियां दी गिनती नहीं कीती जा सकदी। केते खब टुटे बेकार, कितने ही एहो जे ने जेड़ियां जेड़े उस दियां दित्तियां होईयां दातां नू लैके शुकराना भी नहीं करते, और भैड़े कम्मां विच लग के बेकारां विच लग के खप खप के टुटदे तथा अपना जीवन बर्बाद करदे। देखो जिन्हां लोकां कोल ज़्यादा धन आ गया, वह ऐश्वर्य विच डुब गए ने, शराबां पींदे ने, भैड़े कम करदे ने, और कितनियां गलत गल्लां करदे ने, वह विकारां विच पै के खप के टुट जांदे। कितने ही इहो जिहे ने, उहनां दी भी गिणती नहीं कीती जा सकती। शुकराना नहीं करदे परमेश्वर दा, उहदी याद विच नहीं जुड़दे, बल्कि उहदे दित्तियां होईयां दातां नूं लै के वकार कर रहे ने, भैड़े कम कर रहे ने। केते लै लै मुकर पाहें, ते कितने एहो जे भी तुहानू मिलणगे जिहड़े लैंदे भी हन, उहदियां दित्तियां दातां वरतदे भी ने पर मुकर जांदे ने, कहिंदे असीं तां कुछ लिया ही नहीं, सानूं तां उहने चेता ही कख नहीं है, उहने सानूं की दित्ता हैगा। एहो जे ना शुकरे भी बहुत हन। केते मूर्ख खाही खाहें, कितने ही ऐसे मूर्ख ने जिन्हां दा कम दिन रात खाई जाणा। मैं खाण दे खिलाफ नहीं, पर सियाणियां ने कहा है कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े खांदे हन जीउण लई, पर कुछ ऐसे ने जिहड़े जीउंदे हन खाण लई, जिन्हां नूं खाण तों वेल ही नहीं है, इहो जे भी मूर्ख है। खाओ, पातशाह ने सानू कोई वरत रखण लई नहीं कहा, सानू रोटी त्यागण लई नहीं कहा, क्या खाओ, पर कितना कु खाओ, अल्प आहार सुलभ सिनिंदर। भाई गुरदास जी भी कहिंदे ने, हौ तिस कोल कमाया, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे। खाओ भी जरूर, शरीर नू आराम देण लई समो भी जरूर, पर यह ना होवे हर वेले खाई जाओ। भगत कबीर जी का एक शब्द याद आ रहा है, वह कहिंदे ने मनुख की करदे हैं, ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के भोले बिरोले नीर। कहिंदे ऐसा अचरज तमाशा देखिया कि लोग दुध के भुलेखे पानी रिड़की जाते,
हरी अंगूरी गदहा चरे नित उठा सह हिंगे मरे। जिमें जड़ी हरी हरी अंगूरी रात उगी होवे ना फसल उन्हों हरी अंगूरी कहते भाव चंगे पदार्थ ये मनुख खांदा ऑर्डर दिंदा है मेरे ब्रेकफास्ट विच आ चीज़ा चाहिए ने इन्ना आमलेट चाहिए इन्ने परौंठे चाहिए ने ये चाहिए बहुत ते खा के करदा की है सारा दिन हा हा हू हू करके पहड़े कमां च बतीत कर ते जे कोई समझा देवे गुरमुख आंदा करूँगा तेरे घरों लैना तेरे घरों पीना तेरे घरों खाना खाऊंगा कहते माता पैसा अमोहा जाए। जिमें मस्तिया होया झोटा होंगे ना तो उन्होंने कोई डंडे नाल मोड़न का यतन करे तो अगों पै जाता ये है मनुख की दशा। ते कुद कुद चरै रसा तल पाए कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चूंगे नित भेड़। तुसीं आखोगे की कहता कबीर जी ने सत संगत भेड़ का मतलब है बुद्धि लेला है मन। जे ते मन रूपी लेला इस बुद्धि रूपी भेड़ दे पिछे चलदा फिर ते कोई नुकसान नहीं सी पर ये तां बुद्धि रूपी भेड़ मन रूपी लेले दे पिछे चल पई है। आंदे जी मेरा मन ये करदा मैं यों करांगा तो खैर मेरे सतगुरु कहिंदे हन कितने ही ऐसे लोग तुहानूं मिलणगे जिहड़े लै लै के मुकर जांदे कहिंदे सानूं रब ने दित्ता ही कख नहीं हैगा। कहिंदे केते मूर्ख खाहीं खाहीं केत्या दुख पूक सदमार। कहते कुछ ऐसे भी है जिन्हों जन्म तो लैके दुख ही मिले भुख ही मिली है हर वेले कलपते ही रेंदे ने भाव वह दुखी रेंदे ने सदमार उन्होंने हर वेले दुखा की मार पैंदी रेंदी है एहोजे भी कितने। पर मेरे गुरदेव कहते ने ए पे दात तेरी दातार इत्थे दातार नूं संबोधन किया दातार दा रारा मुकता हे दातार ये भी तेरी दात है। तुसी आखोगे हैं दुख भी दात है भुख भी दात है बाबे नानक जी नूं पुछ के वेखो कहिंदे हाँ ये दात क्यों जिहड़े बंदे ऐश परस्ती विच पए होए सन जिन्हां ने कदे परमेश्वर का नाम ही नहीं सी लिया जदों उन्हां नूं कोई भीड़ बनती है ना दुख लागे तां राम पुकारा है फिर वो रब वाले पासे तुरदे ने। मैं बड़े बड़े नास्तक देखे ने जिहड़े आंदे छड्डो जी रब की गल की करनी पर जदों कोई पई पीड़ा तो मेरे वर्गियां कोल भज्जे आए ज्ञानी जी कोई अरदास करो साडी असीं बड़े औखे हो गए। महाराज कहिंदे ने ये दुख भी उहदी दात क्योंकि जदों दुख आंदा है फिर मनुख परमात्मा नूं याद करदा फिर इहनूं होर सारे पासे भुल जांदे ने दुख लागे तां राम पुकारा है इसलिए महाराज कहिंदे ने भी तेरी दात है केतियां दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए। ध्यान देना असी आम तौर पर जो देखते हाँ दो लावां नूं एक लाव पढ़न दा रवाज पै गया क्योंकि पता ही नहीं ये लाव कटण वधन दे नाल अर्थां च फर्क हो जांदा भाणे राणे नूं दो लावां ने भाणे विच तेरे हुक्म विच तेरी रजा विच ही बंदा मोह दी फाई विच फसदा है ते तेरी कृपा हो जाए ते खलासी भी हो जाती बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सके कोए होर कोई रस्ता ही नहीं है तेरी इस रजा विच चलण विच ही साडा फायदा होर चतुराइयां चलाकियां हुजतां करन दा कोई लाभ नहीं ते जे कोई कहण दा यतन करदा है महाराज कहिंदे ने मूर्ख है। उहदी देखो कोई बच्चा चाहे कि मैनूं माता पिता की खुशी मिले उहदा की तरीका है वह अपने माता पिता की आग्या विच चले इस तरह परमेश्वर की रजा विच चलण नाल ही सानूं इस माया दे बंधन तो छुटकारा हो सकता है ये जिहड़ी बंदी है ना मोह दी इहदे तो साडी खलासी हो सकती है बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए होर कोई इहदे बारे रस्ता नहीं दस सकता। जे कोई कहिंदा है भई मैं दसांगा जी
महाराज कहते जे को खायक आखण पाए। इत्थे खायक दा मतलब है मूर्ख, गप्पी, कच्ची मत वाला। जे कोई कहन दा यतन करदा है ओ जाने जेतियां मोह खाए, फिर ओह ही जानदा है जो ओहदे नाल बीतदी है, जिन्नियां ओहदे मूँह उत्ते फिर जुत्तियां पैंदियां ना ओही जानदा। इहनूं मोह बोलना है, मोहे नहीं कहना। ये जिहड़ी हाए नूं सियारी है इहदा अर्थ है मूँह उत्ते, जिन्नियां फिर ओहदे मूँह उत्ते जुत्तियां पैंदियां ने ओही जानदा। ओह जाणे जेतियां मोह खाए, फिर पातशाह अखीर विच निरणा करदे ने आपे जाणे आपे दे। वो आप ही साड़ियाँ लोड़ा नूं जानदा है, आप ही सब कुछ दे जांदा। सत संगत ठीक है, असीं अरदासां कराउंदे हाँ, सुखना सुखदे हाँ, पर गुरदेव कहिंदे ने नहीं सुखना चाहिए। उन्हूं सब पता है, आपे जाने आपे दे, आखें से भे के ई के। आख्या कुछ इहो जिहे भी ने जिहड़े ये गल मनदे ने कि वह आप ही जानदा है साड़ियाँ लोड़ा नूं ते आप ही दिंदा है। आखें सेब है कई के कुछ एहो जे भी ने, ते जिसनों बख्शे सिफत साला नानक पातशाही पातशाह। आख्या जिस भागा वाले मनुख नू ओ ए दात दिंदा है कि वह हर वेले परमात्मा की सिफ सलाह करे, उदा शुकराना करे। ओ पातशाह दा पातशाह है, ओ बहुत वड़ा अमीर आदमी है जिसनों परमात्मा दा शुकराना करना आ गया। लो सात संगत ये है अज की पौड़ी की अखरी विचार, फिर महाराज कृपा करेगा इन होर खोलन का यतन करांगे। अज इत्थे ही आग्या लोड़दे। ज्ञानी जी ने बड़े ही प्यार नाल सानू इस पौड़ी के अखरी अर्थ अते व्याकरण अर्थ समझाए। हुण हम समा हो चलिया एक छोटे जे ब्रेक का। ब्रेक तो बाद असी तुहानू मुड़ मिलते हाँ प्रोग्राम गुरमुख ज्ञान लाइव विच। सानू इजाजत दिओ। वाहेगुरु जी।